सरायकेला जिले के मॉब लिंचिंग मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार। एसआईटी गठित, जांच शुरू। एसपी ने खरसावा और सिन्नी ओपी प्रभारी को किया निलंबित। सरायकेला थाना अंतर्गत सिन्नी ओपी के धातकीडीह गांव में समस्त ब्रेज नामक युवक मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया था। इधर युवक मॉब लिंचिंग के वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आई। वहीं इस मामले में एसपी ने जो खुलासा किया वो भी काफी चौंका देने वाला है। एसपी कार्तिक एस का कहना है कि मृतक समस्त ब्रेज अपने 3 साथियों के साथ धातकीडीह गांव में चोरी कर रहा था। उधर चोरी करते युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। हालांकि यह सूचना एक दिन बाद अगले सुबह पुलिस को लगी। मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उधर सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मेडिकल जांच किया। जांच के बाद उसे जेल भेज दिया, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर पुनः सदर अस्पताल लाया गया। इस मामले में अब तक पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं मृतक के गांव खरसावा थाना अंतर्गत कदमडीहा में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों में दहशत का भी माहौल है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एसपी कार्तिक एस ने खरसावा थाना प्रभारी चंद्रमोहन उड़ाव और सीनी थाना प्रभारी विपिन बिहारी सिंह को सस्पेंड कर दिया है। जबकि मृतक के परिवार वालों का कहना है कि युवक चोर नहीं था, वह जमशेदपुर से वापस देर रात घर आ रहा था, तभी कुछ लोगों ने रास्ते में पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और नाम पूछने के बाद पिटाई ज्यादा शुरू कर दिया और खंभे में बांधकर बेरहमी से पीटा गया। वह मृतक की पत्नी ने न्याय की गुहार लगाई। इस पूरे मामले पर परिवार वालों का कहना है कि मामले में जो भी दोषी हो उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए कठोर से कठोर सजा दी जाए। मेरे कोई सहारा नहीं है, किसके सहारे जिए कि मेरे पति के लिए इंसाफ चाहिए और मेरी जिंदगी के लिए नौकरी चाहिए। मेरा बड़ा भतीजा था, वो पुणे में रहता था, वहीं काम उम करता था। उसकी निकाह कब हुई थी? उसकी निकाह 27 अप्रैल को हुई, जब पुणे से आने के बाद। और अभी पुणे जाने ही वाला था, टिकट भी बन चुका था उसका कि ये घटना घट गया। हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें जो जो दोषी है, जैसे जेलर है दोषी, जेलर को भी समझना चाहिए था कि पेशेंट क्या है। जेल उनका अधिकार होता है, जेल के डॉक्टर का अधिकार होता है कि पेशेंट कैसा है, क्या है, नहीं है, उसको देखना चाहिए था। सदर अस्पताल वो अनफिट था, उसको फिट करा दिया गया सरायकेला सदर अस्पताल। उसके बाद फिर जब विपिन बिहारी सिंह जो ओपी है वो हमको तक मारने की धमकी दे दी। हम चाहते हैं इन लोगों के ऊपर जेल प्रशासन और डॉक्टर और जो जो लापरवाही बरता गया सबके ऊपर दफा 302 का धारा चलाया जाए और सख्त से सख्त सजा दिया जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वही सरायकेला एसपी का कहना है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी तफ्तीश की जा रही है, उसके बाद वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं सब पर कार्रवाई की जाएगी। इधर एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दिया है। चोरी करने की नीयत से घुसाया करके आरोप में गांव वाला लोग उसको पकड़ के पीटा है और उसके पास से एक मोटरसाइकिल जो चोरी का रिकवर भी हुआ था, उसके साथ 2 आदमी और भी था जो बाकी लोग भाग भी गया। और इसको जब पिटाई हो रही थी तो तब जो है हम लोगों को सूचना पुलिस को मिली, तो सूचना सत्यापन करने के पश्चात जो है अंदर टाइमली पहुंची है और उसको रेस्क्यू करने के बाद फर्स्ट थिंग उसको सदर अस्पताल में इलाज किए हैं कि इलाज करने के बाद जो है वो गांव वाला जो चोरी का केस लिख के दिया, तो उसके आधार पर केस बनवा करके जो रिकवरीज है वो सारा रिकवरीज जो सामान उसके पास से बरामद हुआ वो सब रिकवरी करते हुए उसको उसी दिन जो है जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया था। और करीब 22 तारीख को सुबह जो है सदर अस्पताल से ये सूचना मिल रही है कि वो जेल में उनका तबीयत बहुत खराब बिगड़ गई थी और उसके चलते जो है इधर सदर अस्पताल ले आया और इधर ट्रीटमेंट के दरमियान उनका मृत्यु हो गई है करके सूचना मिली थी। जैसे हम लोगों का संज्ञान में आया तो फिर हम लोग इसका सेंसिटिविटी समझते हुए कि उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग निर्देश दिए थे और उसके बाद जो है उनके परिजनों के माध्यम से जो विवादित वीडियो है तो उस वीडियो को दिखा करके ऐसे ऐसे पीटा गया है करके हम लोगों के साथ
कंप्लेंट किया था। उस कंप्लेंट के आधार पर उसने कंप्लेंट में एक व्यक्ति जो है नेम्ड था और अन्य लोग अननेम्ड करके लिखा हुआ था। उस कंप्लेंट के आधार पर हम लोग FIR लॉन्च करके जो नेम्ड था उसको तुरंत ही हम लोग पकड़ के फॉरवर्ड करके भेज दिए थे जुडिशियल कस्टडी में। और अन्य जो अननेम्ड है तो उन लोगों को अरेस्टिंग करने के लिए उसका सत्यापन में हम लोग कल सुबह से प्रयासरत थे। और उसमें जिन लोगों का नाम है उसके हिसाब से तो अभी तक कुल जो है 5 लोग गिरफ्तार हुआ है। और हम स्वयं ही जो है फील्ड में कल दिन भर और रात से जो है हम लोग बैठकर इसको मेटेरियलाइज कर रहे हैं। सबको सब उस गांव से बाहरा भी हुआ है और एक एक करके चयनित करके हम लोग उठा रहे हैं। अभी तक कुल इसमें 5 गिरफ्तार हैं। इस बीच में एक इंटरनल इंक्वायरी भी किया गया अपने माध्यम से और जिसमें जो है इसमें कहीं लापरवाही प्रशासन की ओर से पुलिस प्रशासन की ओर से बरती गई तो किसका है, तो उसके लिए एक इंक्वायरी किया गया। और उस इंक्वायरी के टाइम में ये तथ्य सामने आई कि इस मामले के संवेदनशीलता को वो सिनी शिविर के प्रभारी श्री विपिन बिहारी सिंह और जो OC करसावा श्री चंद्रमणि उराव, ये दोनों जो है इसके संवेदनशीलता को समझते हुए कि हायर अथॉरिटीज को लोग प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किए, जिसका जो है उस टाइम सुवा मोटर पुलिस की तरफ से एक लच्ची के FIR हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई और जिसके चलते इतना कंफ्यूजन क्रिएट हुई, इसलिए उन दोनों को जो है हम लोग सस्पेंड कर दिए और एक SIT हम लोग गठित कर दिए इंस्पेक्टर के नेतृत्व में। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो है पुलिसिंग वाला केस में SP जो है रेजिडेंट नोडल ऑफिसर, और इसका हर एक अनुसंधान जो है हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और SIT भी गठित करा रहे हैं और इसको जो है अनुसंधान हम लोग कंप्लीट ये करेंगे। और नॉट इवन ए सिंगल पर्सन जो इस पूरा घटना में इन्वॉल्व थे और जो अमानवीय तरीके से इनको जो है ट्रीट किया गया उनको हम लोग नहीं छोड़ेंगे और एक एक आदमी को जो है चुन चुन के ले आएंगे और कानून के समक्ष उनको प्रस्तुत कराएंगे। दांत के डी गांव में शम्स तबरेज की पिटाई और मौत के मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। मॉब लिंचिंग मामले को लेकर कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर एक जांच टीम गठित की गई। कांग्रेस जांच कमेटी ने इस पूरे मामले और युवक के मौत के लिए सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इस जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस द्वारा आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की भी बात कही गई। जबकि डी में जाति विशेष धर्म विशेष का नाम जानने के बाद एक व्यक्ति को पकड़ा और कंबा में बांध करके रात भर पीटा, ये मॉब लिंचिंग हुआ। बाद में थाना वगैरह लाया गया, जेल में डाला गया तो पिटाई से उसकी मृत्यु हो गई है, मॉब लिंचिंग है। लेकिन इस क्षेत्र का संसदीय क्षेत्र में पड़ता है धरती में और वहाँ के संसद महोदय अर्जुन मुंडा जो झारखंड में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अभी वहाँ संसद और सेंटर में केंद्र में जनजाति कार्य का मंत्री है, जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री, और आए थे खरसुआ क्या मंदिर आकर्षणीय मंदिर में उन्होंने पूजा किया, मिठाई खाया, प्रसाद खाया, थोड़ा भी उन्होंने शुद्धि नहीं लिया। जिससे घर के सदस्य का मॉब लिंचिंग हुआ उस घर में जाकर के सहानुभूति जताते, परिवार वालों को और धड़स बंधाते, इतना उन्होंने नहीं किया चूँकि वह सरकार में। इससे एकदम साबित होता है कि मॉब लिंचिंग के पीछे सरकार की मौन स्वीकृति है, प्रशासन की मौन स्वीकृति है, और ये मॉब लिंचिंग में प्रशासन और सरकार शामिल है, जिसका घोर विरोध कांग्रेस पार्टी करता है और इसी को। इधर विपक्षी दल द्वारा सरकार और स्थानीय प्रशासन पर लगाए गए आरोप को स्थानीय जिला अध्यक्ष उदय सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरायकेला भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने SIT टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बावजूद इसके विपक्षी कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है, जो काफी निंदनीय है। न्यूज़लैंड के लिए सरायकेला से गुलाम रवानी की रिपोर्ट।
रात की ड्यूटी जो घटना घटी उसका हम निंदा करते हैं, लेकिन घटना को जिस तरह का राजनीतिक तूल दिया जा रहा है या जिस तरह इसको धर्म से लेके जोड़ा जा रहा है विपक्ष के लोगों के द्वारा, इसका हम निंदा करते हैं। साथ ही ये कहेंगे कि प्रशासन अपना काम कर रही है और दोषियों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है और प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह इस घटना के आड़ में जो राजनीतिक विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, दी वेब्स वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है